भाई सब ठीक कंप्यूटर आज 24 जून है और इस समय मैं हूँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में और लगभग 11 जून से लगातार ये निर्बाध गति से यहाँ चलाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर लालू रसोई और लालू रसोई निर्बाध गति से चल रहा है, जिसमें आज शनिवार रहने के कारण खिचड़ी चोखा और पापड़ परोसा गया है। लगातार दोनों टाइम का भोजन इन तमाम गरीबों को इस समय दिया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र के तमाम गरीब गुरुवा और जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो खाते हैं। और सबसे खास विशेषता ये कि वो बच्चे जो यहाँ रह करके नवादा में रह करके पढ़ाई करते हैं और शाम को भी वो सारे विद्यार्थी अपना भोजन यहाँ ग्रहण करते हैं, ये सबसे बड़ी सफलता है लालू रसोई की। और यहाँ जो काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी अपने कुछ समय निकाल करके यहाँ भोजन करके तृप्त होकर के जाते हैं। लगातार इन लोग भोजन यहाँ पर कर रहे हैं। लालू रसोई लगातार चालू है जो माननीय विधायक विभा देवी के सौजन्य से चलाया जा रहा है। यह पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजवल्लभ प्रसाद का चिंतन है और खास करके वो हमेशा चाहते रहे, गरीबों के हित की बात सोचते रहे हैं और उसी हित के बात को लेकर के श्री लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का जो 11 जून को भव्य तरीके से मनाया गया था और उसी दिन से लालू रसोई का भी उद्घाटन किया गया है। लालू रसोई का जिस दिन से उद्घाटन हुआ है लगातार यहाँ वंचित लोग खा रहे हैं, जरूरतमंद लोग खा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। खास करके स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है क्योंकि वो पढ़ाई का समय भी थोड़ा निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन बनाने में समय लगता है घर पर, लेकिन लालू रसोई में आकर के भोजन करते हैं। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए जरा लोगों को, कई कितना भीड़ है यहाँ पर, सारे लोग भोजन का इंतजार कर रहे हैं और सारे लोग यहाँ से भोजन करके तृप्त होकर के जाएंगे। हम कुछ सवाल पूछेंगे इन लोगों से। भाई आपका क्या नाम हुआ? भाई आपका क्या नाम हुआ बताइए, इधर 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 बताइए। दिलीप कुमार, फंटूस कुमार नाम है। कब से आप यहाँ भोजन कर रहे हैं? एक महीना से। भोजन ठीक ठाक मिल रहा है ना? हर पेट भोजन करते हैं ना? दो टाइम भोजन करते हैं। क्या नाम बताया आप? घर कहाँ हुआ आपका? हिसुआ घर हुआ। यहाँ क्या करते हैं? कौन काम करते हैं? नगर पालिका में काम करते हैं ये फंटूस कुमार जी। और देखिए इधर बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल राजवंशी हैं। ये भी क्यों आए हैं यहाँ? खाना खाने के लिए, रोज खाना खाने के लिए आते हैं। खाना संतुष्टि लायक मिलता है ना? इनके द्वारा ये चलाया जा रहा है, विभा देवी की ओर से चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा है, ये लोग सारे लोग जानते हैं कि विभा देवी के सौजन्य से ये लालू रसोई चलाया जा रहा है। कई तारीख से चालू हुआ मालूम है ना आपको? 11 जून से। 11 जून को लालू जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और देखिए और बहुत सारे लोग हैं। देखिए क्या नाम हुआ आपका? मनोज राजवंशी। मनोज राजवंशी जी, आप खाना कहाँ घर हुआ आपका? मिस्कौर। यहाँ क्या करते हैं? नगर पालिका में ड्यूटी करते हैं। यहाँ क्या किस काम से आए हैं? खाना खाने के लिए आते हैं। रोज यहाँ काम करते हैं, काफी सुविधा हो जाती है। ऐसे आपको खाना लेकर के घर से आना पड़ता होगा, अब आप रोज यहाँ खाना खा करके जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसी तरह से, आप देख सकते हैं। देखिए इधर जो खाना परोसा गया है, और ये पहलवान जी हैं। पहलवान जी रोज खाना खा रहे हैं आप? रोज बढ़िया से, खाट से खाना खा रहे हैं। जोर है। इनके द्वारा चलाया जा रहा है? राजवल्लभ बाबू के तरफ से चलाया जा रहा है। बहुत अच्छा। एक और बुजुर्ग हैं, देखिए क्या नाम हुआ आपका सर? रामदेव यादव जी हैं। क्यों आए हैं यहाँ पर? खाना खाने के लिए, रोज खाना खाने के लिए आते हैं। अश्रु आए हैं क्योंकि ये रोज खाना यहाँ चल रहा है। तो किनके द्वारा चल रहा है मालूम है ना? राजवल्लभ बाबू के द्वारा और उनकी पत्नी धर्मपत्नी विभा देवी के सौजन्य से ये चलाया जा रहा है। लालू रसोई निर्बाध गति से चल रहा है। आप इधर भोजन दिखाइए। आज शनिवार है और शनिवार को खिचड़ी चोखा अचार पापड़ परोसा गया है। देख सकते हैं सारी महिलाएं जो है, ये महिलाओं का कहिए पंगत है। और हमारे सामने एक महिला है, देखिए आप नहीं बैठे हैं आप दीदी? आपका परिवार खा रहा है? रोज आके खाते हैं आप लोग? क्या करते हैं? कहाँ घर हुआ आपका? ब्लॉक के पीछे। क्या करते हैं आप लोग? झाड़ू बहाड़ू लगाते हैं, खाना यहाँ आकर के खाते हैं। किनके द्वारा ये खाना चल रहा है? विभा देवी लालू जी के जन्मदिन पर चालू हुआ है। बहुत अच्छा।
और इसी तरह से आपको आइए और मिलाते हैं। देखिए इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इधर आइए कैमरामैन से हम चाहेंगे इधर भी दिखाएं, ये लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? भुवनेश्वर प्रसाद। कहाँ घर हुआ? बुधौल। यहाँ क्यों आए हैं? खाना खाने के लिए। रोज आते हैं? रोज खाना खाते हैं। खाना मिलता है बढ़िया? इनके द्वारा खाना दिया जा रहा है, राजबल्लभ यादव और विभा देवी के द्वारा खाना दिया जा रहा है। लगातार लालू रसोई चलाया जा रहा है। देखिए एक हमारे जुआ साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका जी? प्रमोद कुमार जी। क्यों आए यहाँ? रोज मिल रहा है खाना? फ्री मिल रहा है? पैसा भी लिया जाता है? कई टाइम खाते हैं? तीन टाइम यहाँ खाना खा रहे हैं? अरे वाह, यानी सवेरे का नाश्ता भी आप यहाँ मिल जाता है आपको? क्या करते हैं आप यहाँ? ओ खाना बनाने वाले हैं आप देखिए एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम हुआ आपका? क्यों आए हैं यहाँ पर? भोजन करने के लिए। रोज आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। कभी कभी आते हैं। भोजन ठीक ठाक मिलता है ना? ठीक है मिलता है। इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ लालू रसोई लगातार निर्बाध गति से चलाया जा रहा है और इस लालू प्रसाद यादव जी के नाम से चलाए जाने वाले लालू रसोई में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी खासियत यह कि तमाम लोगों को यहाँ भोजन संतुष्टि के लायक भोजन मिलता है और अलग अलग ढंग की सब्जियाँ और खास करके माननीय विभा देवी के खेतों में जो सब्जी उपजती है। आपको बता दें कि रजौली यहाँ से तकरीबन 24-25 किलोमीटर दूर सुदूर जंगली इलाके में उनका खेत है और उस खेत से बिना किसी खाद के बिना किसी सल्फेट के सब्जी उपजाई जाती है और वो सब्जी लगातार यहाँ सप्लाई की जा रही है और उसी सब्जी का लुत्फ ये सारे लोग उठाते हैं और बिल्कुल मुफ्त में भोजन लालू रसोई के नाम पर चलाया जा रहा है। मैं